पजल टेस्ट एक्सरसाइज बी। और अब जैसे कि यादविंदर सर, हाँ जी सर, आपसे आप अवतार जी के पीछे बैठे हो, हाँ जी, हाँ ठीक है? अब जी, हाँ आप इमेजिन कर लो, अवतार सर के पीछे बैठे हो, जी, हाँ ये अजय सर हैं, जी, हाँ ये मैडम हैं। जी, अब मैं अपना कैमरा अपनी तरफ करता हूं, सीटिंग अरेंजमेंट पहले है लाइन में बैठने का। मेरी तरफ मुंह करके एक लाइन में बैठिए, तो आप लोग सब ऐसे बैठेंगे कि क्या नाम, अजय, जसविंदर, अवतार एंड यादविंदर ऐसे बैठेंगे, या जैसे मैडम बैठे हैं, मैडम, अजय, जसविंदर ऐसे बैठेंगे। ऐसे लाइन होगी कि ऐसे लाइन होगी, कैसे होगी? ऐसे होगी सर, जैसे अजय, जसविंदर और अवतार जी बैठे हैं। मैडम और ये अजय जो है, ये इस हिसाब से अगर ऐसे ऐसे बैठे होंगे तो क्या वो लाइन नहीं है? वो भी होगी सर, फिर वो भी उस है साइड, लाइन। हाँ वो भी लाइन, हाँ जी, तो दोनों में फर्क क्या है? मैं अपने आप को इमेजिन कर लेता हूं कि मेरा भी मुंह इस तरफ है, फेस जो है इधर है, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 कितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी का फेस इस तरफ है। तो सभी का राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा। हाँ जी, हाँ और लेफ्ट हैंड इधर होगा। जी, ये एक लाइन में ऐसे होंगे। दूसरी ऑप्शन होगी कि ऐसे बैठे हुए 1 2 3 4 5 लोग और सबका फेस इधर है। हाँ जी, ये मान लीजिए है ए पर्सन, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। यहां पे मान लीजिए ए बी सी डी ई ऐसे बना दिए हमने, हाँ जी, तो लाइन कौन सी है? ये वाली भी लाइन है और ये वाली भी लाइन है ना? हाँ दोनों ही जी, लाइन है। हाँ जी, इस लाइन में हम बात करेंगे तो ए के राइट साइड पे ई है, ई के राइट साइड पे सी है ना? हाँ जी, और इस केस में बात करेंगे तो यादविंदर सर बताइए, सी के राइट साइड पे कौन है? बी सर, सी के राइट पे बी है, कौन है यहाँ पे है? यहाँ पे राइट हैंड किधर है? राइट साइड सभी ऊपर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, राइट इसी साइड में हो गया। हाँ जी सर, हाँ राइट साइड हैंड इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड इस साइड पे है। जी, सी के राइट साइड पे कोई भी नहीं है, इस केस में क्या बोलेंगे? सी के आगे बी है, सी से अहेड। अहेड का ठीक है, मतलब जिधर हाँ जी, फेस की डायरेक्शन होती है, और बिहाइंड का मतलब जिधर पीठ होती है। सो इस केस में सी की बात करेंगे, सी के ये वाला जो अरेंजमेंट है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अहेड बिहाइंड अरेंजमेंट। अहेड बिहाइंड अरेंजमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट राइट अरेंजमेंट। सो सीटिंग में जब बैठना हो, इसको बनाइए, तो हमें सबसे पहले ये देखना है स्टेटमेंट के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, सेंटेंस के अंदर, कि उनका अरेंजमेंट कैसा है, अहेड बिहाइंड वाला है या लेफ्ट राइट वाला है। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए। नाउ सी
सबसे पहले सेंटेंस में आपको ये देखना है कि वो आगे पीछे बैठे हैं या लेफ्ट राइट में बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम है, इसमें किसी की फिक्स पोजीशन पता करके अगर हम चलेंगे तो बेटर होगा। फिक्स पोजीशन मतलब इस केस में बात करें तो इस केस में नंबर वन कौन है, इधर वाला नंबर वन है कि इधर वाला नंबर वन है? जब भी लेफ्ट राइट में नंबर की बात दी जाएगी कि ये दूसरा है या तीसरा है, तो साथ में बताया जाएगा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कौन सी साइड से कौन सा नंबर है। और इस केस में अहेड बिहाइंड के केस में बात करेंगे नंबर वन की, तो उसका मतलब इधर नंबर वन कौन होगा, जिधर फेस की डायरेक्शन है। फेस की डायरेक्शन हमने इधर ली है तो नंबर वन ये है, 1 2 3 4 5, इसमें नंबर वन फिक्स नहीं है, ठीक है। नाउ मिटा दूं इसको। अब हम क्वेश्चन के अटेम्प्ट साथ साथ करेंगे। बोलो डिंपल, क्वेश्चन बोलिए। आपको फेस की डायरेक्शन हमेशा ही ऊपर ले लेनी है, उससे क्या होगा, जिधर इनका फेस है उधर ही हमारा फेस हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट और अहेड बिहाइंड जो भी इमेजिन करना है वो इजी हो जाएगा इमेजिन करना। डिंपल नहीं बोल पाएगी, जसविंदर सर, यादविंदर सर आप बोलिए। 5 person are standing in a line. 5 person line में खड़े हैं। जसविंदर जी बताइए, इतनी सेंटेंस से आप बता सकते हैं कि वो अहेड बिहाइंड का केस है कि लेफ्ट राइट का है? अभी नहीं बता सकते, तो इससे हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला काम हमें यही पता करना है, लेफ्ट राइट है कि अहेड बिहाइंड है। बोलो। One of the two person at the extreme end in is a professor. एक्सट्रीम एंड पे प्रोफेसर है और दूसरे एंड पे बिजनेसमैन है, तो क्या इससे पता चलेगा लेफ्ट राइट है कि अहेड बिहाइंड है? इससे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि एंड तो दोनों में ही होते हैं ना, सिरे तो दोनों में ही होते हैं। अगला सेंटेंस, एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट। यहाँ पे राइट वर्ड आ गया ना, तो यहाँ से पता चलेगा कि वो लेफ्ट राइट अरेंजमेंट है। अब ये लेफ्ट राइट अरेंजमेंट है तो 5 पर्सन है, 5 लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है। अब दूसरा काम है फिक्स पोजीशन पता करना। अब इसमें फिक्स एक जगह पे दी है, अभी बोला था कि एक एंड पे प्रोफेसर है और दूसरे एंड पे बिजनेसमैन है, तो मान लीजिए कि बिजनेसमैन यहाँ ले लूं तो प्रोफेसर यहाँ पे लेना पड़ेगा, और अगर प्रोफेसर यहाँ लूं तो बिजनेसमैन यहाँ पे लेना पड़ेगा। प्रोफेसर और बिजनेसमैन को वेरिएबल लेते हुए मैंने इमेजिन कर लिया कि ये फिक्स है। मैडम आप पेन को रख दो नीचे। तीसरा काम क्या करना है, जो हमने फिक्स किए हैं दो वेरिएशन के साथ भी अगर हमने बात करें तो उनके लिंक में ही आके बात को जोड़ना है। उनके लिंक में आके बात को जोड़ने का मतलब है या तो बिजनेसमैन या प्रोफेसर के लिंक में आगे कोई भी सेंटेंस हो, पहले सेंटेंस में मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में मिल जाए या आखिरी में मिले, जहां पे भी है उसका लिंक ढूंढेंगे। अगर लिंक नहीं है तो फिर किसी और ऐसे स्टेटमेंट से शुरू करेंगे जहां से लिंक बनता हो। बोलिए आगे स्टेटमेंट। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट। एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ द स्टूडेंट। अभी ना तो एडवोकेट हमने लगाया ना ही स्टूडेंट लगाया, तो इस सेंटेंस को छोड़ के आगे जाएंगे। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन। ऑथर, हाँ जी, ना घर पे कुछ जरूरी काम है तो मैं लॉग आउट कर दूं। ठीक है, जाओ। ना मेरे मम्मा को फोन चाहिए था, उन्होंने भी जाना है, तो ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। ऑथर बिजनेसमैन के लेफ्ट पे है, हाँ जी, बिजनेसमैन यहाँ पे लेते हैं, हाँ, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, इधर होगा, दैट मींस यहाँ पे बिजनेसमैन गलत ले रहे हैं हम, हाँ जी, तो बिजनेसमैन को यहाँ से हटा देंगे
और पक्का हो गया कि बिजनेसमैन हमारा इस एंड पे आएगा, तभी यहां से लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड पे ऑथर आ गया। तो ये बिजनेसमैन जो है और ये प्रोफेसर हो गया। आगे द स्टूडेंट स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द इनको तो बोलने दो। ऑथर इज क्या है आगे बोलो। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड द एडवोकेट। प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर ऑलरेडी लिया हुआ है, एक छोड़ के इधर तो हम जा नहीं सकते, इधर ही जाएंगे, एक छोड़ के यहाँ पे एडवोकेट लेंगे, तो एडवोकेट के और प्रोफेसर के बीच में स्टूडेंट आ गया। ठीक है जी। अब जो सेंटेंस आप छोड़ के आगे गए हैं उन सेंटेंस पे दोबारा जाइए, देखिए क्या कहते हो। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द एडवोकेट इज एट विच प्लेस। काउंटिंग लेफ्ट हैंड से करें तो एडवोकेट कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। हाँ जी बात समझे। कर देंगे। एक चीज और एडिट कर देता हूं मैं। अभी यहाँ पे प्रोफेसर और बिजनेसमैन हमने ले लिए थे क्योंकि उसमें एंड पे बोला था उसने। अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसे ना बने तो किसी भी एक सिरे से शुरू कर दे। मान लीजिए पांच लोग हैं, यहां से शुरू कर दिया कि बी जो है बी और ए डी के बीच में ई है, तो ऐसे ले लिया हमने और इनको बी और डी को वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फिर बी या डी के लिंक में मान लीजिए उसने बोला बी के राइट में कुछ है ए है, तो बी अगर यहाँ लेते हैं तो फिर राइट में ए नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स बी यहाँ पे लेंगे और डी इधर हो जाएगा, बी के राइट एंड पे ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए उसके बाद बोला कि जहां पे डी है डी के लेफ्ट में सी है, अब इसके लेफ्ट में तो हमने कोई बनाया नहीं था बट ये फिक्स नहीं लिया था, तो इसलिए एक यहां से कम कर देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो फिर डी के लेफ्ट में ए हो जाए, क्या होगा, डी के लेफ्ट में सी आ गया क्योंकि हमने एक सिरे से शुरू कर लिया था, इमेजिन करते हुए वहां से बनाते हुए चले गए, अब आखिर में पता चला कि इसके भी लेफ्ट में कोई बोल रहा है, तो फिर इधर से कम कर दो और उधर डंडा लगा दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए अटेम्प्ट करना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी बॉम्बे इज द राइट सभी का। थर्ड अटेम्प्ट करो। इसमें थर्ड क्वेश्चन में शुरुआत कहां से करेंगे, फिक्स पोजीशन कहां पे दी हुई है, फोर्थ एंड फिफ्थ डी और सी की पोजीशन दी है, तो डी को नंबर चार पे और सी को पांच, फोर फाइव दी है कि फोर थ्री फोर दी है, क्या दी है? कौन से क्वेश्चन में फेस साउथ की तरफ है? साउथ है तो साउथ ही ऊपर ले लो, ये अहेड बिहाइंड का केस है, ये बात पता है ना, तो अहेड बिहाइंड का केस जो है क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ कितने हैं टोटल, सेवन सेवन, नंबर वन ये होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, डी फोर्थ एंड फिफ्थ है, डी फोर पे और सी पांचवें पे, तो डी को यहां रख दो सी को यहां रख दो। अब इसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करो इनके साथ जो लिंक में है, डी इज इमीडिएट बिहाइंड ए लिखा हुआ एक जगह पे। शर्मा जी
डी इज इमीडिएट बिहाइंड ए, है ना, तो ए पक्का यहां पे आ जाएगा। चलो आगे बोलो, शुरू से स्टेटमेंट बोलो। हाँ, बूथ ऊपर मान लिया हमने, बूथ इधर है। ई इज समवेयर अहेड ऑफ एफ, अब एफ जहां पे भी है उसके आगे गाएगा ई। हाँ, सी और जी के बीच में वन पर्सन है, तो सी और एक छोड़ के जी इधर आ सकता है या एक छोड़ के जी इधर आ सकता है। अब सी ऑलरेडी यहाँ पे, चलो ये बात तो बाद में आएगी। हाँ, डी इज इमीडिएट बिहाइंड ए, डी जहां पे भी है वो इमीडिएट ए के पीछे है। हाँ, F is both behind D and B. B और D दोनों के पीछे है F. अब D तो ऑलरेडी है, तो पीछे F या तो छठे नंबर पे आएगा या सातवें नंबर पे आएगा, यानी इधर ही आएगा F. D और C फोर्थ एंड फिफ्थ हैं, तो यहां से हमने शुरुआत करी फिर उसके। हाँ, उसके बाद फिर बात बनाएंगे। अब ए के बिहाइंड इमीडिएट डी दिया है, तो दैट मींस नंबर तीन पे ए आ जाएगा। उसके बाद सी और जी के बीच में एक पर्सन है, सी यहाँ पे है, एक छोड़ के जी इधर तो नहीं बनेगा, दैट मींस ये वाली ऑप्शन खत्म हो गई, तो सी यहाँ पे एक छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा। F के लिए दो जगह बनी थी, अब एक ही जगह बची है, F यहां पे आ गया। ठीक है, E is somewhere ahead of F है, F से पता नहीं आगे कहां पे है E, तो F तो ऑलरेडी यहां पे आ गया। अब E कहां पे, या तो नंबर वन पे है या फिर नंबर टू पे है, तो इसको वेरिएबल ले लेंगे। अब बचा कौन, B, E यहाँ पे है तो B इधर आएगा, या फिर B यहाँ पे है तो E इधर आएगा। E is somewhere ahead of F लिखा हुआ है, F से आगे है E कहाँ पे, तो ये वेरिएबल हो गई दो पोजीशन। A फर्स्ट नहीं है, B फर्स्ट हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है। F सिक्स्थ डेफिनेट ट्रू। अगला ऑप्शन, अरे भाई इसके बाद आगे भी तो होगा, डी ऑप्शन। एफ सेवेंथ टोटल गलत है, है ना, बात बनी, करो अब आगे। फोर्थ फिफ्थ, धड़ 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 चले सर। हाँ जी, कर...